हेलो स्टूडेंट्स, आरजी स्टूडियो चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम राहुल है, मैं एक टीचर हूँ। इस वीडियो में मैं आपको उत्तराखंड सामान्य ज्ञान के संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक्स जो होते हैं, क्वेश्चंस जो होते हैं, इसकी जानकारी दे रहा हूँ। ये जो प्रश्न है, ये उत्तराखंड की आगामी प्रतियोगी परीक्षाएं उत्तराखंड UK SSSC के लिए फॉर्म्स आ रखे हैं, जिसमें सितंबर में एग्जाम होगा ग्रुप सी का, और DLED, फॉरेस्ट गार्ड, उत्तराखंड PSC, पुलिस और उत्तराखंड राज्य की अन्य अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं जिसमें कि उत्तराखंड सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्न आते हैं, उन सभी के लिए वीडियो बहुत अधिक उपयोगी है। और जो कैंडिडेट्स उत्तराखंड राज्य की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे कि TET, SSC, बैंक, रेलवे, ग्रुप सी, ग्रुप डी, IAS, PCS आदि एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के PDF नोट्स लेना चाहते हैं, वो 9411513974 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो मिलते रहें और विभिन्न जॉब्स और एडमिशन्स के लिए जो नए अपडेट्स आते हैं उसकी जानकारी मिलती रहे। यहाँ पे उत्तराखंड राज्य के सामान्य ज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक्स की मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो यहाँ पे जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उत्तराखंड सामान्य ज्ञान से संबंधित वो बताए जा रहे हैं। उत्तराखंड राज्य विधेयक लोकसभा में पारित, उत्तराखंड राज्य विधेयक लोकसभा में कब पारित हुआ? इसका उत्तर है 1 अगस्त 2000 को। 1 अगस्त 2000 को उत्तरांचल राज्य विधेयक लोकसभा में पारित हुआ। 1 अगस्त 2000 को उत्तरांचल राज्य विधेयक लोकसभा में पारित हुआ था। उत्तरांचल राज्य विधेयक राज्यसभा में पारित। उत्तरांचल का जो राज्य विधेयक था ये राज्यसभा में 10 अगस्त 2000 को पारित हुआ। 10 अगस्त 2000 को उत्तरांचल राज्य विधेयक राज्यसभा में पारित हुआ। उत्तरांचल राज्य विधेयक राष्ट्रपति KR नारायण द्वारा स्वीकृत। राष्ट्रपति KR नारायण द्वारा उत्तरांचल राज्य विधेयक 28 अगस्त 2000 को स्वीकृत हुआ। उत्तरांचल राज्य का गठन, ये जो टॉपिक्स है इसमें से कई क्वेश्चन बनेंगे जो कि पेपर में आ सकते हैं, ध्यान से जरूर देखिएगा। उत्तरांचल राज्य का गठन जो है ये 9 नवंबर 2000 को हुआ है। भारतीय गणतंत्र का उत्तराखंड जो है ये भारतीय गणतंत्र का 27वां राज्य है। 27वां राज्य है उत्तराखंड भारतीय गणतंत्र का। पर्वतीय राज्यों के क्रम में सबसे अघतन गठित पर्वतीय राज्य, पर्वतीय राज्यों के क्रम में सबसे अघतन गठित पर्वतीय राज्य उत्तराखंड जो है ये 11वां पर्वतीय राज्य है। राज्य का नाम 31/12/2006 तक उत्तरांचल, 31/12/2006 तक राज्य का नाम जो था ये उत्तरांचल का, और उसके पश्चात 1 जनवरी 2007 से उत्तराखंड। अगर ये क्वेश्चन आता है उत्तरांचल से उत्तराखंड नाम कब परिवर्तित हुआ, तो ये हुआ 1 जनवरी 2007 से। राज्य की राजधानी जो है ये देहरादून में है। राजकीय भाषा पहली संस्कृत है और जनवरी 2010 से हिंदी संस्कृत सेकेंड है। पहली जो राजकीय भाषा है ये हिंदी है, राजकीय भाषा जो है फर्स्ट हिंदी है और जनवरी 2010 से। ये भी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है कि संस्कृत को राज्य की दूसरी राजभाषा का दर्जा कब दिया गया, तो जनवरी 2010 से उत्तराखंड राज्य की दूसरी राजकीय भाषा संस्कृत है। संस्कृत जो है ये जनवरी 2010 से उत्तराखंड राज्य की दूसरी राज्य भाषा बनी है, और जो पहली राज्य भाषा थी जब उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ 9 नवंबर 2000 को, तो वो हिंदी थी। क्वेश्चन नेक्स्ट है, राजकीय चिन्ह उत्तराखंड का राजकीय चिन्ह क्या है? इसका उत्तर है एक गोलाकार मुद्रा में 3 पर्वत चोटियां और उसके नीचे गंगा की 4 लहरें अंकित हैं। उत्तराखंड राज्य का जो राजकीय चिन्ह है उसमें एक गोलाकार मुद्रा में 3 पर्वतीय चोटियां हैं। उत्तराखंड राज्य के राजकीय चिन्ह में एक गोलाकार मुद्रा में 3 पर्वतीय चोटियां हैं और उसके नीचे गंगा की 4 लहरें अंकित हैं। बीच की चोटी में अशोक का लाट अंकित है। तो एक बार फिर से बता देता हूं मैं आपको, उत्तराखंड राज्य का जो राजकीय चिन्ह है उसमें एक गोलाकार मुद्रा में 3 पर्वत चोटियां और उसके नीचे गंगा की 4 लहरें अंकित हैं। बीस की चोटी में अशोक का लाट अंकित है। राजकीय पशु जो है ये उत्तराखंड का ये है कस्तूरी मृग, हिमालयन मस्क डियर। राजकीय पक्षी है मुनाल, हिमालय का मयूर। राजकीय वृक्ष है बुरांस। राजकीय पुष्प है ब्रह्म कमल, स्थानीय नाम कौलपंद। राज्य खेल 2011 में घोषित, उत्तराखंड राज्य का जो राज्य खेल है 2011 में जो घोषित हुआ ये फुटबॉल है। राज्यवाद, उत्तराखंड राज्य का जो राज्यवाद है ये 2015 में घोषित हुआ, ढोल है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि उत्तराखंड का राजकीय खेल कौन सा है, तो राजकीय खेल फुटबॉल है, ये 2011 में घोषित हुआ। राज्यवाद जो है उत्तराखंड का 2015 में घोषित हुआ, ढोल है।
अगर ये पूछा जाता है उत्तराखंड का राजकीय वाद्य क्या है, तो ये ढोल है। और ये कब घोषित हुआ राजकीय वाद्य ढोल, तो ये 2015 में घोषित हुआ। और इसके बाद है राज्य तितली, उत्तराखंड राज्य की जो राज्य तितली है 2016 में घोषित हुई है, ये है कॉमन पिकॉक। कॉमन पिकॉक उत्तराखंड राज्य की राज्य तितली है, जो कि 2016 में घोषित है। राज्य गीत, उत्तराखंड का जो राज्य गीत है हेमंत बिष्ट लिखित, फरवरी 2016 में घोषित, हेमंत बिष्ट द्वारा लिखा गया राज्य। उत्तराखंड राज्य का जो राज्य गीत है ये हेमंत बिष्ट द्वारा लिखा गया है और फरवरी 2016 में घोषित हुआ है। उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि सत सत वंदन। उत्तराखंड राज्य का जो राज्य गीत है ये है उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि सत सत वंदन, और ये हेमंत बिष्ट द्वारा लिखा गया है। अगर ये क्वेश्चन आता है उत्तराखंड राज्य का राज्य गीत किसके द्वारा लिखा गया, तो वो हेमंत बिष्ट के द्वारा लिखा गया है। और ये उत्तराखंड राज्य का राज्य गीत कब घोषित हुआ, तो 2 फरवरी 2016 में घोषित हुआ। और उत्तराखंड राज्य का राज्य गीत क्या है, तो यह है उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि सत सत वंदन। इसके बाद जो टॉपिक है, राजकीय पुष्प ब्रह्म कमल का वैज्ञानिक नाम है। राजकीय पुष्प ब्रह्म कमल का वैज्ञानिक नाम सोसोरिया अबवे लेटा। सोसोरिया अबवे लेटा राजकीय पुष्प ब्रह्म कमल का वैज्ञानिक नाम है। ब्रह्म कमल को महाभारत में कहा गया है, ब्रह्म कमल को महाभारत में सौगंधिक पुष्प कहा गया है। उत्तराखंड में ब्रह्म कमल की प्रजातियां मिलती हैं, उत्तराखंड में ब्रह्म कमल की 24 प्रजातियां मिलती हैं। उत्तराखंड में किस स्थान पर ब्रह्म कमल बहुतायत में पाया जाता है, सही उत्तर है फूलों की घाटी में। फूलों की घाटी वह स्थान है जहां पर उत्तराखंड राज्य में ब्रह्म कमल बहुतायत में पाया जाता है। ब्रह्म कमल पुष्प के खिलने का समय है, ब्रह्म कमल में जो पुष्प आते हैं वो खिलने का समय जुलाई से सितंबर है। जुलाई से सितंबर के बीच में ब्रह्म कमल में पुष्प खिलते हैं। उत्तराखंड के राज्य पशु कस्तूरी मृग का वैज्ञानिक नाम है, सही उत्तर है मास्कस काइसो गास्टर। उत्तराखंड के राज्य पशु कस्तूरी मृग का वैज्ञानिक नाम मास्कस काइसो गास्टर है। मास्कस काइसो गास्टर उत्तराखंड के राज्य पशु कस्तूरी मृग का वैज्ञानिक नाम है। कस्तूरी मृग उत्तराखंड के अलावा भारत में और कहाँ पाया जाता है, सही उत्तर है कश्मीर हिमाचल प्रदेश तथा सिक्किम आदि राज्यों में। कस्तूरी मृग जो है ये उत्तराखंड के अलावा कश्मीर हिमाचल प्रदेश और सिक्किम आदि राज्यों में पाया जाता है। उत्तराखंड में कस्तूरी मृग विशेष रूप से पाया जाता है। उत्तराखंड में कस्तूरी मृग विशेष रूप से फूलों की घाटी उत्तरकाशी केदारनाथ तथा पिथौरागढ़ में पाया जाता है। फूलों की घाटी उत्तरकाशी केदारनाथ और पिथौरागढ़ में उत्तराखंड में कस्तूरी मृग विशेष रूप से पाया जाता है। कस्तूरी मृग केवल नर मृग से प्राप्त किया जाता है और वह भी एक बार में केवल 30 से 45 ग्राम। कस्तूरी जो होता है केवल नर मृग से प्राप्त किया जाता है और वह भी एक बार में केवल 30 से 45 ग्राम। तो 30 से 45 ग्राम जो है ये कस्तूरी जो मृग है, ये जो कस्तूरी है ये केवल नर मृग से प्राप्त किया जाता है, वो भी 30 से 45 ग्राम एक बार में। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगला जो टॉपिक है, राज्य में उत्तराखंड राज्य में कस्तूरी मृग के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए सर्वप्रथम प्रयास किया गया, सही उत्तर है 1972 में चमोली में। उत्तराखंड राज्य में कस्तूरी मृग के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए सर्वप्रथम प्रयास 1972 में चमोली में किया गया। राज्य वृक्ष नेक्स्ट जो टॉपिक है, राज्य वृक्ष बोरांस का वानस्पतिक नाम है। उत्तराखंड का जो राज्य वृक्ष है बोरांस, इसका वानस्पतिक नाम है रोडोडेंड्रॉन अर्बोरियम। रोडोडेंड्रॉन अर्बोरियम उत्तराखंड राज्य के राज्य वृक्ष बुरांस का वनस्पतिक नाम है। उत्तराखंड राज्य का जो राज्य वृक्ष बुरांस है उसका वनस्पतिक नाम रोडोडेंड्रॉन अर्बोरियम है। नेक्स्ट टॉपिक है, बुरांस किस प्रकार का वृक्ष है। बुरांस जो है ये सदाबहार पर्वतीय वृक्ष है। बुरांस जो है ये सदाबहार पर्वतीय वृक्ष है। नेक्स्ट टॉपिक है, राज्य में 46 दिन देश में सबसे कम दिन का
अनुच्छेद 356 के तहत राजपक्षी शासन, उत्तराखंड राज्य में जो राजपक्षी शासन था ये 46 दिन का था और देश में सबसे कम दिन का ये राजपक्षी शासन था, और ये अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राजपक्षी शासन था, ये था 27 मार्च से 12 मई 2016। 27 मार्च से 12 मई 2016 तक उत्तराखंड राज्य में 46 दिन 46 डेज, और जो कि देश में सबसे कम दिनों का राजपक्षी शासन था और अनुच्छेद 356 के तहत लागू हुआ था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों हेतु राज्यपाल की व्यवस्था है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों हेतु राज्यपाल की व्यवस्था है? सही उत्तर है अनुच्छेद 153। अनुच्छेद 153, 153 के अंतर्गत भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद 153 है उसके उसके अंतर्गत राज्यों हेतु राज्यपाल की व्यवस्था है। राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। उत्तराखंड राज्य में विधानमंडल है, सही उत्तर है इसका एक सदन सदनात्मक। उत्तराखंड राज्य में विधानमंडल एक सदनात्मक है। प्रथम विधानसभा परिषद भवन जो है ये देहरादून में है। द्वितीय विधानसभा परिषद भवन जो है ये वीर चंद्र सिंह गढ़वाली विधानसभा परिसर भराड़ी भराड़ीसैंण गैरसैंण चमोली में है। उत्तराखंड राज्य का द्वितीय विधानसभा परिसर भवन जो है ये वीर चंद्र सिंह गढ़वाली विधानसभा परिसर भराड़ीसैंण गैरसैंण चमोली में है। देश में दो विधानसभा भवन वाले अन्य राज्य, देश में जो दो विधानसभा भवन वाले अन्य राज्य हैं वो महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर हैं। तो ऐसे तीन राज्य हैं हमारे देश में जिसमें कि दो विधानसभा भवन हैं, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य का जो पहला विधानसभा परिसर भवन है वो देहरादून में है और दूसरा विधानसभा परिसर भवन जो है वो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली विधानसभा परिसर भराड़ीसैंण गैरसैंण चमोली में है। और भारत देश में जो दो विधानसभा भवन वाले अन्य राज्य हैं वो महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर हैं। विधानसभा का प्रथम गठन, विधानसभा का जो प्रथम गठन हुआ अंतरिम, ये 9 नवंबर 2000 को 30 सदस्य हुआ। प्रथम विधानसभा सत्र देहरादून में 9 जनवरी 2001 से। उत्तराखंड राज्य का प्रथम विधानसभा सत्र जो है ये देहरादून में था 9 जनवरी 2001 से। प्रथम विधानसभा सत्र गैरसैंण के स्कूलों कॉलेजों में, प्रथम विधानसभा सत्र जो है ये गैरसैंण के स्कूल कॉलेजों में 9 से 11 जून 2014 में हुआ। प्रथम विधानसभा सत्र गैरसैंण के नवनिर्मित विधानसभा भवन में 17 से 18 नवंबर 2017 को हुआ। यहाँ पे महत्वपूर्ण आपको टॉपिक बताए जा रहे हैं उत्तराखंड सामान्य ज्ञान से संबंधित, लास्ट तक जरूर देखिएगा वीडियो को। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था प्रथम विधानसभा सत्र जो है भराड़ी साइड के नवनिर्मित विधानसभा भवन में 17 से 18 नवंबर 2017 को हुआ। नेक्स्ट जो है यह है विधानसभा का अपना वेबसाइट शुरू। उत्तराखंड विधानसभा का जो अपना वेबसाइट शुरू है ये 4 मई 2001 से देश में प्रथम, 4 मई 2001 से भारत देश में जो सबसे पहले जो अपना वेबसाइट शुरू हुआ है विधानसभा के द्वारा वो उत्तराखंड में हुआ है और ये 4 मई 2001 से। उत्तराखंड राज्य गठन से पूर्व इस क्षेत्र में कुल विधानसभा सीटें थी 22। उत्तराखंड राज्य गठन से पूर्व इस क्षेत्र में जो कुल विधानसभा सीटें थी, उत्तराखंड क्षेत्र में जो कुल विधानसभा सीटें थी वो 22 थी। विधानसभा सीटों का परिसीमन संपन्न, विधानसभा सीटों का जो परिसीमन संपन्न हुआ है ये 5 जनवरी 2001 व फरवरी 2018 में। विधानसभा सीटों का जो परिसीमन संपन्न हुआ वो 5 नवंबर 2001, 5 नवंबर 2001 और फरवरी 2018 में, फरवरी 2008 में, माफी चाहूंगा, विधानसभा सीटों का जो परिसीमन संपन्न हुआ है ये 5 नवंबर 2001 व फरवरी 2008 में हुआ है। पांच नवंबर 2001 और फरवरी 2008 में विधानसभा सीटों का परिसीमन संपन्न हुआ। परिसीमन के बाद विधानसभा की कुल सीटें, परिसीमन के बाद जो विधानसभा की कुल सीटें हैं वो 71 हैं, 70 निर्वाचित हैं और एक मनोनीत है। उत्तराखंड
पर इसी मन के बाद जो उत्तराखंड में विधानसभा की कुल सीटें हैं वो 71 हैं, 70 निर्वाचित हैं और एक मनोनीत है। मतदाताओं की कुल संख्या, उत्तराखंड में जो मतदाताओं की कुल संख्या है ये है 74,95,688, 74,95,688, 74,95,688 9 जनवरी 2017 के अनुसार उत्तराखंड राज्य में मतदाताओं की कुल संख्या है। प्रथम, द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ विधानसभा चुनाव की तिथियां, उत्तराखंड राज्य में प्रथम, द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ विधानसभा चुनाव की तिथियां हैं। पहला जो विधानसभा चुनाव है उत्तराखंड में वो 14 फरवरी 2002 को, दूसरा जो विधानसभा चुनाव है ये 21 फरवरी 2007 को, तीसरा विधानसभा चुनाव 30 जनवरी 2012 को और चौथा विधानसभा चुनाव 15 फरवरी 2017 को हुआ। प्रथम, द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ विधानसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत, प्रथम जो विधानसभा चुनाव था उसमें मतदान प्रतिशत 54.34%, द्वितीय विधानसभा चुनाव में विधान मतदाता मतदान प्रतिशत 63.96%, तृतीय विधानसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत 67.70% और चौथे विधानसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत 65.55%। प्रथम, द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ विधानसभा चुनाव में विजयी महिलाएं, पहले विधानसभा चुनाव में जो विजय महिलाएं थी वो 4 थी, दूसरे में 4, तीसरे में 5 और चौथे में 5। विधानसभा में कुल आरक्षित सुरक्षित सीटें, उत्तराखंड विधानसभा में जो कुल सुरक्षित सीटें हैं वो 15 हैं, 13 SC के लिए और 2 ST के लिए। उत्तराखंड विधानसभा में कुल सुरक्षित सीटें 15 हैं, 13 SC के लिए और 2 ST के लिए। SC के लिए सुरक्षित 13 विधानसभा सीटें हैं। उत्तराखंड विधानसभा में SC शेड्यूल कास्ट के लिए सुरक्षित 13 विधानसभा सीटें हैं, 3 हरिद्वार में तथा 1-1 देहरादून में। उत्तराखंड में जो शेड्यूल कास्ट के लिए जो सुरक्षित 13 विधानसभा सीटें हैं उसमें से 3 हरिद्वार में और 1-1 सीट जो है ये देहरादून, उधम सिंह नगर, उत्तरकाशी, टिहरी, पौड़ी, चमोली, नैनीताल, अल्मोड़ा, बागेश्वर एवं पिथौरागढ़ में। तो उत्तराखंड में जो शेड्यूल कास्ट के लिए 13 विधानसभा सीटें सुरक्षित हैं, इसमें से 3 हरिद्वार में हैं और 1-1 सीट जो है वो देहरादून, उधम सिंह नगर, उत्तरकाशी, टिहरी, पौड़ी, चमोली, नैनीताल, अल्मोड़ा, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में हैं। और जो ST शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए सुरक्षित 2 विधानसभा सीटें हैं ये चकरौता देहरादून में और नानकमत्ता उधम सिंह नगर में। बहुत ही अच्छा ये क्वेश्चन है। ST शेड्यूल कास्ट के लिए जो सुरक्षित 2 विधानसभा सीटें हैं इसमें से चकरौता में एक है देहरादून में, चकरौता देहरादून में एक है और नानकमत्ता उधम सिंह नगर में एक है। इसके बाद है सर्वाधिक विधानसभा सीटें, उत्तराखंड राज्य में जो सबसे ज्यादा विधानसभा सीटें हैं वो हरिद्वार में है 11। उत्तराखंड राज्य में सबसे ज्यादा विधानसभा सीटें हरिद्वार में 11 है। सबसे कम विधानसभा सीटें, उत्तराखंड राज्य में सबसे कम जो विधानसभा सीटें हैं वो बागेश्वर, रुद्रप्रयाग व चंपावत में है 2-2। सबसे ज्यादा विधानसभा सीटें हरिद्वार में 11 हैं और सबसे कम विधानसभा सीटें बागेश्वर, रुद्रप्रयाग व चंपावत में 2-2 हैं। प्रथम विधानसभा चुनाव व गठन अनुसार पहला जो विधानसभा चुनाव है और उसका जो गठन है वो 14 फरवरी 2002, पहला विधानसभा चुनाव उत्तराखंड में 14 फरवरी 2002 को और इसका जो गठन है ये 14 से 15 मार्च 2002 को हुआ। लोकसभा सीटें जो उत्तराखंड में ये 5 हैं, टिहरी, पौड़ी, अल्मोड़ा, नैनीताल व हरिद्वार। उत्तराखंड राज्य में लोकसभा की 5 सीटें हैं जो कि हैं टिहरी, पौड़ी, अल्मोड़ा, नैनीताल व हरिद्वार। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा लेकिन मतदाताओं की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा सीट हरिद्वार है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा लेकिन मतदाताओं की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा सीट हरिद्वार है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लेकिन मतदाताओं की दृष्टि से सबसे छोटा लोकसभा सीट पौड़ी है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लेकिन मतदाताओं की दृष्टि से सबसे छोटा लोकसभा सीट पौड़ी है। वर्तमान में लोकसभा सदस्य जो है ये पौड़ी गढ़वाल से तीरथ सिंह रावत। वर्तमान में जो लोकसभा सदस्य है इसकी जानकारी है पौड़ी गढ़वाल से है तीरथ सिंह रावत, टिहरी से माला राज्यलक्ष्मी शाह, हरिद्वार से रमेश पोखरियाल, अल्मोड़ा से अजय टमटा व नैनीताल से अजय भट्ट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। वर्तमान में जो उत्तराखंड में लोकसभा सदस्य हैं इसमें पौड़ी गढ़वाल से तीरथ सिंह रावत, टिहरी से माला राज्य लक्ष्मी शाह,
हरिद्वार से रमेश पोखरियाल, अल्मोड़ा से अजय टम्टा और नैनीताल से अजय भट्ट हैं। तो यहाँ पे उत्तराखंड सामान्य ज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन हैं, जो टॉपिक्स हैं, इसकी जानकारी दी गई है। इसके जो बाकी के क्वेश्चन हैं जल्दी अपलोड हो जाएंगे, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो मिलते रहें और विभिन्न जॉब्स और एडमिशन्स के लिए जो नए अपडेट्स आते हैं उसकी जानकारी मिलती रहे। और जो कैंडिडेट उत्तराखंड राज्य की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि TET, SSC, बैंक, रेलवे, ग्रुप सी, ग्रुप डी आदि एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के PDF नोट्स लेना चाहते हैं, वो 9411513974 पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए व्हाट्सअप ग्रुप बना रखा है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियोज मिलते रहे और विभिन्न जॉब्स और एडमिशन के लिए जो नए अपडेट्स आते हैं उसकी जानकारी मिलती रहे। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।